हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट, सभी की फेवरेट छोले भटूरे। एकदम क्विक रेसिपी है, 30 मिनट्स में छोले और साथ ही साथ फूले फूले एकदम क्रिस्पी भटूरे दोनों बन करके रेडी हो जाएंगे। तो जल्दी से अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भटूरे के लिए डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 कप मैदा लिया है। अब इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी, 2 चम्मच ऑयल और इसमें मैं 1 कप दही ऐड कर रही हूँ। और अभी हम लोग सबको मिक्स करके तब हमें सॉफ्ट डो रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसमें पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। देखिए, इसमें मैं 1 चम्मच इस पर ऑयल डाल करके इसको अच्छे से ग्रीस करके एकदम गीले कपड़े से ढककर इसे 2-3 घंटे के लिए रख दूंगी। छोले बनाने के लिए सबसे पहले ये सारे मसाले आप लोग देख रहे हो, सबको हम ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने छोले लिए हैं, इनको मैंने 7 से 8 घंटे के लिए सोक करके रखा था पानी में। अब एक प्रेशर कुकर लेती हूँ और छोले इसमें ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। और ये आधा गिलास इसमें चाय पत्ती वाला पानी डाल दिया। और ये देखिए पाउडर मैंने बनाकर रेडी कर लिया है, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1.5 चम्मच नमक और 2 गिलास पानी। और अभी मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको 4-5 सीटी आने तक इसको एकदम मीडियम फ्लेम पर इसको मैं कुक करूँगी। फिर यहाँ मैंने कढ़ाई ले लिया, इसमें 2 चम्मच घी, जीरा और ये अदरक डाल दिया। ये मैंने अदरक एकदम लंबा लंबा इसको चॉप करा था मैंने। और इसमें मैंने अनियन पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से कुक करना है। अच्छे से कुक हो गया। अभी मैं इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको हम लोगों को तब तक कुक करना है जब तक ये ऑयल रिड्यूस नहीं करते। यहाँ पर इसने सारा ऑयल रिड्यूस कर दिया है। तो इसमें अब मैंने यहाँ छोले उबाल के रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ना छोलों को ना थोड़ा थोड़ा सा ना मैश कर दिया था। इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको ग्रीन चिली दिख रही होगी, इसमें मैंने लंबी लंबी काट के 3-4 हरी मिर्ची डाल दी थी। अब इसको ढक्कन लगा करके हम लोगों को एकदम लो फ्लेम पे ना 10 मिनट के लिए कुक करना है। फिर आप लोग ये देख सकते हो कि इसमें ऊपर और ऑयल आ गया है। इसको मैं एक बार अच्छे से करछी से चला लेती हूँ। और फिर आप लोगों को अगर ये ऐसे थोड़े गीले गीले पसंद है तो आप लोग इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हो, वरना आप लोग थोड़ा ढक्कन को खोल कर फिर इसको थोड़ी देर कुक और कर लीजिएगा। इससे क्या है, ये एकदम छोले ना जो सूखे सूखे हो जाएंगे, थोड़े ड्राई हो जाएंगे। और इसमें आप लोग गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो या फिर आप लोग इसको ऐसे ही खा सकते हो। इसमें मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको इतने सारे जो कष्ट करके मसाले ऐड करे थे, उसी का इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना इसमें, आपको बाद में गरम मसाला ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, एकदम गर्मी की वजह से अपना जो भटूरे का आटा है वो मुँह बुलाकर एकदम फूल के डबल हो चुका है। अब इसकी एक लोई बना करके रेडी कर देती हूँ। तो ये लोई बना ली मैंने और अब हम अपना भटूरा बेल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इस पर मैदा डाला है और इसको हम लोग लंबा लंबा और थोड़ा सा गोल इसको हम लोग बेलेंगे। ये एकदम तड़कते भड़कते ऑयल में मैंने अपना भटूरा डाल दिया। ठंडे ठंडे ऑयल में आपको नहीं डालना है, अगर आप उसमें डालोगे तो भटूरा बिल्कुल भी आपका फूलेगा नहीं। और अगर आप गरम ऑयल में डालोगे तो भटूरा एकदम 100% आपका फूल जाएगा। और इसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको इस तरीके से प्रेस करके सेक लेंगे। और देखिए, एकदम कुरकुरा क्रिस्पी एकदम भटूरा अपना रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग सर्व करते हैं और छोले भटूरे का मज़ा लेते हैं।